Namaskar, welcome to Lunar Astro. To go to the English video version, just click on the timestamp, you will move to the English version. Rohini Nakshatra, aaj ka apna topic hai. To Rohini Nakshatra na creation ka nakshatra hai. Is nakshatra ke andar, aap kuch bhi daal, wo create ho jayega, matlab wo paida hoga. Aur wo apne tarikhe se, because jab aap create karte ho, to uska apna ek tarikha hai. Aapke dimaag mein ek picture hai. Aapko koi sikha nahi sakta create karna. तो रोहिणी नक्षत्र को ना कोई भी इंसान का एडवाइस का जरूरत नहीं पड़ता. सपोज करो किसी का सैटर्न रोहिणी नक्षत्र में, तो इस इंसान का जो बिजनेस है ना उसके अंदर आप एडवाइस नहीं दे सकते. उसको पता है उसको क्या करना है और वो अपना बिजनेस अपने तरीके से रन करता है, बिकॉज वो पायनियर है उस फील्ड में. उससे पहले कभी किसी ने नहीं करा. वीनस है तो अपना रिलेशनशिप इस तरीके से रन करता है. आप प्लांट का सिग्निफिकेशन लो, रोहिणी में पुट करो और देखो कि उसमें उस वाली फील्ड में उस इंसान को बीट करना मुश्किल है, बिकॉज वो जो कर रहा है उससे पहले किसी ने करा ही नहीं उस तरीके से. उसको ऑटोमेटिकली डिफरेंट है वहां पे बाय डिफॉल्ट. तो रोहिणी नक्षत्र का ये स्पेशलिटी है. अभी हमने लेवल वन में सीखा था कि ब्लैंक चार्ट पे कैसे प्रेडिक्शन करनी है सिर्फ और सिर्फ साइन की एनर्जी से. लेवल टू में हम सीखेंगे ब्लैंक चार्ट नक्षत्र के साथ. हम सर्कुलर डायग्राम बनाएंगे नक्षत्र का और देखेंगे कौन सा एज में कौन सा नक्षत्र एक्टिवेट होता है, रिजल्ट देता है. जैसे कि रोहिणी सेकेंड हाउस को भी एक्टिवेट करता है, एट्थ को भी करता है, सेवेंथ को भी करता है और हर तीनों में अलग अलग रिजल्ट्स देता है अलग अलग एजेस. तो ये हम देखेंगे इस वाले पर्टिकुलर कोर्स के अंदर. कोर्स का रजिस्ट्रेशन ओपन है बुकिंग के लिए नक्षत्र कोर्स के. अभी जो कल जो आज का टॉपिक है रोहिणी नक्षत्र, हम लोग एक असेंडेंट डिस्कस करेंगे बिकॉज अलग अलग असेंडेंट्स में अलग अलग प्रेडिक्शंस ब्लैंक चार्ट्स पे हम कर सकते हैं रोहिणी नक्षत्र से. सो एक प्रेडिक्शन आप एक चार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं. Let's start up. Okay, so ये blank chart है. Level one में हम लोगों ने क्या करा था? Level one में हमने सिर्फ blank chart पे sign लिखते थे और prediction कर रहे थे. तो suppose करिए जैसे कि कल मैं किसी से बात कर रहा था, एक बहुत senior astrologer, age में भी और knowledge में भी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सिर्फ 18 क्लासेस सिर्फ साइंस सिखाया. मैंने कहा हाँ जी. तो उन्होंने कहा कि अच्छा प्रेडिक्शन करो फिर कोई. मैंने बोला कि आपका असेंडेंट क्या है. तो बोला सैजिटेरियस असेंडेंट है. मैंने कहा सैजिटेरियस असेंडेंट है तो आपने अपनी लाइफ में बहुत लोगों के कर्जे निपटाए होंगे, डेब्ट्स, डिजीज, डिस्प्यूट. तो उन्होंने बोला, वो हंसने लगे इस प्रेडिक्शन को सुन के. मैंने बोला ऐसा कैसा प्रेडिक्शन करा तुमने. मैंने बोला कि बिना किसी ग्रह के. मैंने बोला कि जब तक आपको साइन ऑफ एनर्जी पता है, आपको ये पता है कि प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ उसका सिग्निफिकेशन है, आपको अगर पता है कि राशि किस तरीके से काम कर रही है, आप ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कर पा रहे हो, तो आपको प्रेडिक्शन करने में प्लैनेट के साथ कोई दिक्कत हो रही होगी. तो आप ट्राई करिए स्पेसिफिक प्रेडिक्शन को. सैजिटेरियस असेंडेंट वाले लोग अपने जिंदगी में बहुत सारे लोगों के कर्जे, बीमारियां और झगड़े अपने गले ले लेते हैं. ये उनकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जब अभी हमें इसके अंदर प्लैनेट का जरूरत नहीं पड़ा. प्लैनेट का जरूरत कैसे पड़ेगा कि सपोज करो मार्स आ जाता ये अपने चार्ट के, तो वो भाई के ले लेता. मरकरी आ जाता तो सिस्टर्स के ले लेता. तो वो जो सिग्निफिकेशन है वो सिर्फ डिलीवरी का मेथड बन रहे हैं. पर आपको ब्लैंक चार्ट से प्रेडिक्शन करना आना चाहिए. अभी हमने सिर्फ एक साइन यूज करा है. अभी अपने पास 12 साइन है, तो 12 साइन से एटलीस्ट हम 15-20 प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. और सपोज करिए आप ब्लैंक चार्ट पे से किसी का असेंडेंट सुन के 20 प्रेडिक्शन कर रहे हो, सामने वाला इंसान कहीं नहीं जाने वाला उसके साथ. ब्लैंक चार्ट पे प्रेडिक्शन करना सीखिए. लेवल वन के अंदर हम लोगों ने बहुत मेहनत से इसको सिखाया है. अभी लेवल टू के अंदर नक्षत्रास लेवल नक्षत्र ऑन द ब्लैंक चार्ट लियो असेंडेंट रोहिणी लाइज इन टॉर्स साइन फ्रॉम 10 डिग्रीज टू 23 डिग्रीज 20 मिनट्स. नाउ देयर आर फ्यू प्रेडिक्शंस यू कैन मेक वेरी इंस्टेंटली व्हेन यू हियर द लियो असेंडेंट, जस्ट बिकॉज यू नो द रोहिणी विल लाई इन द 10th हाउस. यू कैन मेक मल्टीपल बिजनेस of father.
father's family, someone will be mentally retarded. In your in-laws' neighborhood, there will be kids. In-laws' neighborhood. Who have mental issues? Who have mental issues? The married life of elder sibling. If you do not have elder sibling, then one of the cousins. It's bad, really bad. Kids will have issues of, your kids will have issues of skin or asthma. Wife must have at least changed 3 schools or 3 degrees. So these are the predictions just made from the Rohini Nakshatra. Rohini in 10th house will give you all these predictions. More prominently, when the ascendant rising is between 10 to 23 degrees, 20 minutes. If it's a 5 degree ascendant, the results will be there, but not prominently. So 10 degrees to 23 degrees, 20 minutes. These are the results for Rohini. You can also make a prediction that maternal grandfather has problem in childbirth. Childbirth issue. So these predictions, we are only making from the Rohini Nakshatra, and they are only applicable to Leo ascendant. Because when you the ascendant will move, all these predictions will change. Because when we will go to the Sarvatra Vajra chakra and look at different Rashi, the Nakshatra chart, and I will teach you how the different Nakshatras interact with each other, you will realize all these predictions are making sense, and then they will change in different signs, in different ascendants. So this is try this one for the Leo ascendant. Then in the next video, I will teach you something else of the Nakshatras. Please go ahead, try it, test it. Like, share, subscribe to the channel, and I'll see you next time. Thank you. Bye. Hello. So today's topic is Rohini Nakshatra. Rohini Nakshatra is a nakshatra of creation. So whenever we have to create something, the energy to create something has to come from inside. Nobody can teach you how to create something new, something which you're really pioneering in. Rohini Nakshatra will give you that energy. And irrespective of you have plans in Rohini, you does not have plans in Rohini, there is always something you will create in your life. I've seen this, I've tested this technique, and I'm going to teach it in the course. Today, I'm going to teach you something else in Rohini. You see, in level one, we learned several techniques on how to predict on blank charts. Just look at the ascendant and predict the events. Like yesterday, I was talking to a very senior astrologer than me, and he's senior in age and as well as knowledge as well. So I was telling him, I just taught the Rashi and Grahas. And he said, what did you taught? I mean, how does that work? That so many senior people were sitting in the course. And I said, you tell me the ascendant. And he said, I'm a Sagittarius ascendant. And I said, if it's Sagittarius ascendant, you must have taken the responsibility to pay off the debt of someone else. Or someone else's problem you have taken on your own head. And he started laughing. And he said, you know, this is absolutely true. This is just the magic you have done. See, it's just only by listening to the ascendant, you can predict at least 15, 20 events. And these are very snapshot predictions. They never go sideways. Like, let me show you in the whiteboard. Okay. So for the level one course, what we did, we learned this Sagittarius ascendant will take responsibility of someone else's debt
dispute and disease. To try this prediction, do it on any chart, it will hold true. You should be able to make at least 15 to 20 predictions on blank charts. Once you're able to do 15 to 20 predictions on blank charts, now, then you move to level 2 of nakshatras, because level 2 is going to be very heavy. Level 2 is something, let me show you the Rohini Nakshatra today. Okay, so let us try a Rohini Nakshatra on the blank chart. Leo ascendant. Rohini lies in Taurus sign from 10 degrees to 23 degrees 20 minutes. Now there are few predictions you can make very instantly when you hear the Leo ascendant, just because you know that Rohini will lie in the 10th house. You can make multiple business of father. Father's family, someone will be mentally retarded. In your in-laws' neighborhood, there will be kids. In-laws' neighborhood. Who have mental issues? Who have mental issues? The married life of elder sibling. If you do not have an elder sibling, then one of the cousins is bad, really bad. Kids will have issues of, your kids will have issues of skin or asthma. Wife must have at least changed 3 schools or 3 degrees. So these are the predictions just made from the Rohini Nakshatra. Rohini in 10th house will give you all these predictions. More prominently, when the ascendant rising is between 10 to 23 degrees 20 minutes. If it's a 5 degree ascendant, the results will be there, but not prominently. So 10 degrees to 23 degrees 20 minutes, these are the results for Rohini. You can also make a prediction that maternal grandfather has problem in childbirth. Childbirth issue. So these predictions, you're only making from the Rohini Nakshatra, and they're only applicable to Leo ascendant. Because when the ascendant will move, all these predictions will change. Because when we'll go to the Sarvatra Vajra chart and look at different Rashi, the Nakshatra chart, and I will teach you how the different Nakshatras interact with each other, you will realize all these predictions are making sense, and then they will change in different signs, in different ascendants. So this is try this one for the Leo ascendant. Then in the next video I will teach you something else of the nakshatras. Please go ahead, try it, test it, like, share, subscribe to the channel, and I'll see you next time. Thank you.